तो दोस्तों, अगर आप भी Realme 11 सीरीज को यूज करते हैं और आपको अपने फोन में जो है यहाँ पे बैटरी ड्रेन का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आज की इस वीडियो के थ्रू यहाँ पे मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो है डिस्कस करने वाला हूँ। आपको पता है कि यहाँ पे जो न्यू अपडेट प्रोवाइड करवाया गया अभी रिसेंटली जो है कई सारे यूजर्स को, ऐसे में उस जो अपडेट में भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं बैटरी को लेकर। तो आज की इस वीडियो के थ्रू इसी टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। अगर आपको बैटरी ड्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो आज की इस वीडियो के थ्रू पूरी इन्फॉर्मेशन जो है आपको मैं इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले अगर अपडेट आता है तो एक यूजर के मन में यही क्वेश्चन होता है, कॉन्सेप्ट होता है कि भाई चलो अब अपडेट करने के बाद हमारा जो परफॉर्मेंस है और भी ज्यादा यहाँ पे इम्प्रूव होगा। बट फिर भी कभी कभी ऐसे अपडेट्स आ ही जाते हैं जिससे यहाँ पे डिसअपॉइंट यहाँ पे यूजर को होना पड़ता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स जो देखने को मिल रही है इसी न्यू अपडेट में। तो आज की इस वीडियो के थ्रू मैं बात करने वाला हूँ इसी टॉपिक के ऊपर। और अगर आप इस चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए, उनको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आप Realme का डिवाइस यूज करते हैं और 11 सीरीज को यूज करते हैं तो फाइनली एक अपडेट यहाँ पे रोल आउट किया गया था जिसमें यहाँ पे बैटरी ड्रेन को लेकर बहुत मतलब पहले आपको पता 5.0 में प्रॉब्लम आ रही थी। तो ऐसे में टीम ने फिर से यहाँ पे एक अपडेट को जो है रोल आउट किया हुआ है। लेकिन भाई अभी भी इस अपडेट में कहीं ना कहीं सेकंड अपडेट में भी इस बैटरी को लेकर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और डेफिनेटली आप अभी जो ग्राफ देख सकते हैं किस तरीके से अचानक से ये ग्राफ जो है यहाँ पे अपना जो लेवल है वो डाउन करता चला जा रहा है। और कहीं ना कहीं इसका मेंटेनेंस बहुत ही ज्यादा अभी इस समय यहाँ पे नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो न्यू अपडेट ट्रायल वाला इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है, चाहे बग्स को लेकर हो चाहे बैटरी को लेकर हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या टिप्स फॉलो करना चाहिए आपको, तो देखिए सबसे पहले आपको बैटरी वाले ऑप्शन में चले जाना है, बैटरी वाले ऑप्शन में जाना है और उसके बाद आपको बैटरी यूजेज पे जाना है। और यहाँ पे जितनी भी एप्स है भाई, सबसे पहले तो आपको इन एप्स को जो है बंद करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे कई सारी एप्स आपकी बैटरी को एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रही है, इससे भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है आपकी बैटरी का ड्रेन होने का। ठीक है, यहाँ पे कई सारी एप्स हैं ये जो है बेफालतू का यहाँ पे जो है आपका जो बैटरी पावर है वो कंज्यूम कर रही है। तो आपको वन बाय वन ओपन करके इसको यहाँ पे जो है बंद कर देना है, फोर्स स्टॉप कर लेना है, जिससे कि डिवाइस की बैटरी जो है ज्यादा यहाँ पे ड्रेन ना हो या फिर ज्यादा कंज्यूम ना हो। ठीक है, तो ये पहला काम आपको जरूर से कर देना है, बिकॉज यहाँ पे सबसे मेन इफेक्ट होता है क्योंकि कई सारी एप्स फालतू का ही जो है बैटरी को कंज्यूम करती है। सेकेंडरी चीज के बारे में मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको एडिशनल सेटिंग में जाना है। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद आपको प्रोसेस मैनेजर में जाना है, उसके बाद यहाँ पे कई सारी ऐप है जो कि यहाँ पे बैकग्राउंड में रन कर रही है, जो कि हम यूज भी नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी यहाँ पे कई सारी एप्स जो है यहाँ पे रन कर रही हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे सारी एप्स को जो है यहाँ पे क्लोज करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको डॉट पे थ्री डॉट यहाँ पे डॉट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको एंड ऑल पे जो है सिंपली यहाँ पे टैप करना है। जैसे ही आप एंड ऑल पे टैप करेंगे तो यहाँ पे आपकी कई सारी एप्स 16 एप्स बैकग्राउंड में रन कर रही थी, जिसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे जो बैटरी का कंजप्शन है वो काफी ज्यादा हाईली हो गया था। अब जो 16 ऐप है भाई, कहीं ना कहीं आपको पता ही है भाई, जो रैम मैनेजमेंट में जितनी भी प्रोसेस चलती रहेगी वो बैटरी को कंज्यूम करता रहेगा और डेफिनेटली वही चीज होता भी है। ठीक है, तो ऐसे में आप इन चीजों को जो है बंद कर सकते हैं। फिलहाल हमने पूरी तरीके से बंद कर लिया है। ठीक है, और आप चाहे तो यहाँ पे आने के बाद कुछ बैटरी वाले में आने के बाद कुछ यहाँ पे बैटरी हेल्थ में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, स्मार्ट चार्जिंग को ऑन कर सकते हैं ताकि आपका बैटरी जो लेवल है वो चार्जिंग के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे सुटेबल रहे। ठीक है, तो इन चीजों को भी ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पे आना है ऐप में, आना है एक बार ऐप में आने के बाद आपको बैटरी वाले ऑप्शन को जो है फोर्स स्टॉप कर देना है। ठीक है, ऐप मैनेजमेंट में आना है, थ्री डॉट पे आना है, उसके बाद आपको यहाँ पे सो सिस्टम पर टैप करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे बैटरी को सर्च कर देना है। ठीक है, इसको भी यहाँ पे आपको फोर्स स्टॉप कर लेना है ताकि जो है बैटरी का आपको एक अच्छा रिस्पांस मिल पाए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आप अपने डिवाइस में जो बैटरी का थोड़ा इम्प्रूवमेंट है वो देख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है न्यू अपडेट को लेकर। ट्रायल अपडेट है आपको पता है, तो ट्रायल अपडेट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी रहती है। तो अगर आप यहाँ पे इन सब चीजों को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपकी दूर हो सकती है। अगर नहीं भी होती तो यहाँ पे आने वाले समय में यहाँ पे जितनी भी प्रॉब्लम है इसको टीम फिक्स करने की कोशिश करेगी न्यू अपडेट के थ्रू। ठीक है, तो होपली आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू सो मच।